नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग साथियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित कुमार अवस्थी लेकर के आप लोगों के लिए जनरल साइंस स्पेशल, जो कि बेहद खास है आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं से जब भी मेरा मतलब होता है तो फिर चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, कहीं भी जनरल साइंस नहीं बदल जाएगी। जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स रहेंगे और हम उन्हीं बेसिक्स के यहाँ पर क्लासेज में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों के सहयोग से, आप सभी लोगों की डिमांड से हमने इस सेशन को अब बड़ा कर दिया है। आप सभी को ये न्यूज़ होपफुली अब तक पता चल गई होगी और अगर अभी तक नहीं पता चली है तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन अभी हमारा 11:30 पर मात्र 30 मिनट का हुआ करता था, अब ये है सेशन यहाँ से बढ़कर के 1 घंटे का होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये कब हो रहा है, तो तारीख आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को वार है वेडनेसडे और वेडनेसडे को शाम 6:30 से लेकर के शाम 7:30 तक, फिर से मैं दोहरा दूं, शाम 6:30 से लेके शाम 7:30 तक, लेकिन हमारा एड्रेस बदलने वाला है। और एड्रेस हम आपको बता दें, हम आपको लाइव मिलेंगे वाईफाई स्टडी 2.0 पर। साथियों 2.0 जिस पर आप रोजाना मुझे सुबह 7 से 8 बजे सुनते हैं, रोजाना सुबह आप मुझे 7 से 8 करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए जिस चैनल पर आप मुझे देखते हैं उसी चैनल पर शाम को 6:30 से 7:30 यानी कि परसों, आज है वेडनेसडे, आज है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन शाम 6:30 हम लोगों का लाइव साक्षात्कार होने जा रहा है 6:30 से 7:30 के बीच में। साथियों उस क्लास में बेहद खास जो मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की हैं मैंने, क्योंकि हमें 1 घंटे का सेशन मिलेगा तो आराम से तो हम डिटेल से थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद उसके अतिरिक्त जो समय में बच जाएगा हमारे पास, आधा समय हम थ्योरी पढ़ेंगे, आधा समय हम डिटेल से अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हैंड टू हैंड मैं आप लोगों को पीडीएफ में अपलोड कर दिया करूंगा, तो बड़ा ही रोचक होने वाला है। पेटी पैक करके तैयार हो जाइए, यहाँ से आपको शिफ्ट करके वाईफाई स्टडी 2.0 पर पहुँचना है। अब बड़ा सवाल, सर इस वाली क्लास का क्या होगा, तो आपकी सलाह पर हम इस समय का भी कुछ ना कुछ प्लान कर ही लेंगे। अगर अभी ज़रूरत नहीं रहेगी तो भविष्य में हम इस क्लास का उपयोग किसी टेस्ट में कर लेंगे या फिर जैसा भी आप मुझे सलाह देंगे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। पहले अपनी वो क्लास शुरू करते हैं, उसके बाद फिर 11:30 का भी कोई ना कोई उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आप सभी साथियों को ये बात सुनकर के अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इसे शेयर कर दीजिएगा कि हमारी क्लास वेडनेसडे से शाम 6:30 से 7:30 वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जहाँ पर सुबह 7 से 8 लोग, आप सभी लोग मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसी चैनल पर हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, आज का टाइटल मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आज का टाइटल, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पॉलीमर। साथियों बहुत कॉमन टाइटल है, बहुत आसान टाइटल है, लेकिन बहुत सारे मेरे साथियों को इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मैं आप लोगों को बड़ा आराम आराम से आज केवल समझाऊंगा कि पॉलीमर क्या है, उसके बाद कल हम भले ही इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रयास कर लेंगे। साथियों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉली, पॉली माने होता है अधिक, यानी कि अनेक, मल्टीपल्स, ठीक है। पॉली माने अगर मैंने वर्ड किया अनेक, अच्छा तो सर अनेक जो है वो अपने आप में मल्टीपल है, तो पॉली जो है वो किसी ना किसी एक लक से बना होगा। अनेक का एकार्थ क्या है, यानी सिंगल यूनिट क्या है, एक, तो एक से जब अनेक बनता है तो ऐसे ही पॉली भी किसी एक यूनिट से बना होगा और उसको कहते हैं हम मोनो, यानी कि मोनोमर जब यूनिट कलेक्ट हो जाती हैं तो पॉलीमर बनता है। अगर मैं ये बात कहूँ यहाँ बहुलक लिखा हुआ है तो इस बहु का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत, है ना। और अगर हम बहु की बात करें तो बहु से एक की तरफ जब चलेंगे तो अर्थात हम बात करेंगे एक लक से बहुलक की तरफ चलने की। तो अल्टीमेटली कोई हमसे पूछे कि मोनोमर क्या है, तो मोनोमर एक लक को ही कहते हैं, और एक लक जब बहुत सारे आपस में मिलते हुए चले जाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों बन जाता है आप सभी लोगों के लिए
पॉलीमर, ठीक है ना। तो मोनोमर, पॉलीमर, एक लक, बहुलक, ये इंग्लिश और हिंदी, बस इसी में सारा गेम छुपा हुआ है। हम अगर ये समझ गए तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल ही नहीं रहेगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, जब भी हम बात करेंगे जाएंगे यहां से आगे पॉलीमर्स की, तो हमें दो बातें अवश्य रूप से जाननी होंगी किसी भी पॉलीमर के अंदर, कि कौन तो मोनोमर है और कौन पॉलीमर है। क्योंकि पॉलीमर होने के लिए मोनोमर्स यूनिट का आपस में जुड़ना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पॉलीथीन की बात करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं एथीन। अगर हम एथीन की इन यूनिट्स को आपस में जोड़ दें, कितनी यूनिट्स को जोड़ दें आपस में, ऐसी ही N यूनिट्स को जोड़ दें। N यूनिट से मतलब हुआ N CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दें, यानी कि एथीन के साथ N, N का मतलब क्या होता है, पॉली, यानी मतलब बहुत सारी। N का मतलब कुछ भी हो सकता है, N 1, 2, 3 से लेके अनंत कुछ भी हो सकता है। तो साथियों अगर पॉली को जोड़ दें हम इस तरह से, यानी कि इन यूनिट्स को आपस में जोड़ दें, तो क्या बन के आएगा, पॉलीथीन। तो आप लोगों को यहां से समझ में आना चाहिए कि इथीन का ही पॉलीमर होता है क्या, पॉलीथीन। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को पॉलीथीन के बारे में समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने अगर कहा कि इसे कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे साथियों इसे संयुक्त रूप से ऐसे लिखा जाता है, यानी इथीन यूनिट आपस में जुड़ती हुई चली जाती है, तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो उम्मीद है मेरे साथियों को यह समझ में आया होगा कि पॉलीमर और मोनोमर के अंदर क्या चीज खास होती है। साथियों जैसा आप लोगों ने अभी हाल में देखा, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि यहां पर यह यूनिट जुड़ी और यह यूनिट बन गई, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला। फिर से समझिए साथियों, मैंने क्या कहा, जब ये यूनिट आपस में जुड़ी तो इनमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकली। तो सवाल बना कि क्या सर किसी में से कोई चीज बाहर निकलती है क्या, हमने कहा जी हाँ साथियों, इसी के आधार पर। किसके आधार पर, कि भाई कोई चीज बनने के बाद कोई चीज बाहर निकले, यानी कि पॉलीमर बनते समय अगर कोई चीज बाहर निकले, तो उस आधार पर हम पॉलीमर्स को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, नंबर एक, ऐसे पॉलीमर जिनसे कुछ भी बाहर ना निकले, उन्हें हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। एडिशन का मतलब हुआ योगात्मक। बेटा याद कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, इसे हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और अगर कुछ बाहर निकले तो उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब हुआ संघनन, यानी कि कुछ बाहर निकले तो संघनन और कुछ बाहर ना निकले तो एडिशन। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पॉलीथीन का, पॉलीथीन में क्या हुआ था, पॉलीथीन के अंदर इथीन आपस में जुड़ा था और कुछ भी बाहर नहीं निकला था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ऐसी चीज की जिसमें जुड़ने पर कोई बाहर निकले, जुड़ने पर कोई बाहर निकले से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मैंने लिखा RnH2। RnH2 में ये तो हम सभी जानते हैं, कक्षा 10 तक पढ़ी हुई बातें हैं, कि इन्हें हम एमीन्स कहते हैं। साथियों अगर एमीन्स की रिएक्शन किसी एसिड से करा दी जाए, एसिड से मतलब आप लोगों को ये तो सबको ही पता है कि ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर इन दोनों से निकल करके H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलने से बनके क्या आया, RnHCOOR। यानी कि अगर आप इस यूनिट को ध्यान से देखें तो अल्टीमेटली इस यूनिट के बनने पर हमारे सामने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। लेकिन जब मैं पिछले पेज पर था तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकला था, ये आपस में जुड़ गए और ये चीज बन गई। साथियों जब कुछ बाहर ना निकले तो उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं, और जब कुछ बाहर निकले तो उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं।
तो पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अगर आ गया तो जल्दी से अपना वीडियो शेयर कर दो, अधिकतम लोगों तक पहुंचा दो, और लोगों को यह भी बता दो कि आज तो यहां देख लो, परसों से हमको 6:30 बजे सर के साथ शाम को बैठ के पढ़ना है। आप में से बहुत सारे साथी मुझे दिन के समय देखते हैं क्योंकि इस समय आप सो चुके होते हैं। तो साथियों कंडेंसेशन की बात समझ में आ गई। अब सवाल बना कि क्या सर कंडेंसेशन में केवल H2O ही निकलता है? नहीं नहीं, कुछ भी निकल सकता है। किसी में से पता चले HCl निकल गया, किसी में से H2O निकल गया, यानी कि इस आधार पर किसी ना किसी में से कोई ना कोई चीज अगर निकलती रहे तो उसकी वजह से जो चीजें बनेंगी उन्हें हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो बोले सर एक बात बताइए, क्या ऐसा वाकई में होता है? बिल्कुल होता है सर। पेप्टाइड बॉन्ड्स में आप यही तो चीज देखते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो सुना सुना लग रहा है सर, पेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है सर? पेप्टाइड बॉन्ड होता है मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन में पाया जाने वाला। साथियों अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और अमीनो एसिड आपस में मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो बोले सर ये क्या है? चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो साथियों, साथियों हमें एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि अमीनो अम्लों का पॉलीमर, पॉलीमर यानी कि बहुलक, ये क्या है? एकलक। एकलक अगर अमीनो अम्लों का पॉलीमर की बात की जाए, मैं चलिए यहां लिख देता हूं कि इसका पॉलीमर बन गया यानी बहुलक बन गया, तो क्या बन के आएगा? तो आंसर आता है प्रोटीन बन के आएगा। अब मेरे कई साथियों को यह बात नहीं पता कि क्या सर कैसे बनता है ये, तो चलिए मैं बताता हूं। मान लीजिएगा साथियों हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया, कोई भी मैं आपको बिना नाम बताए लिख देता हूं कि यहां पर ये तो एसिड ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। चलिए इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो साथियों, यहां पर ये तो अमीनो ग्रुप है और यहां पर ये एसिड ग्रुप है यानी कि अम्ल है। इन दोनों को हमने संयुक्त रूप से क्या कह दिया? एमिनो एसिड। अब साथियों इनका हुआ पॉलीमर यानी कि पॉलीमराइजेशन हुआ, बहुलकीकरण हुआ, तो क्या बना आइए देखते हैं। साथियों इन दोनों को अगर हमने ऐसे ही मिलाया होता, कैसे देखते हैं जरा, NH2। अब कई साथियों को ना ये चीज भी समझने में दिक्कत आएगी कि सर NH2 में आपने दो H पे गोली कैसे मारी। चलिए मैं आसान कर देता हूं, अब मैंने ऐसे लिख दिया। अब कईयों को ना ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हो क्या, हमारे इतना आता है क्या? अरे सर मैं आपको वो तरीके से समझा दे रहा हूं ताकि भविष्य में कभी दिक्कत ही नहीं आए। एक बार सरल तरीके से समझ लो, भविष्य का काम पूरा दनादन हो जाएगा। साथियों अगर मैं यहां पर इस अम्ल का OH ले लूं और इसका H ले लूं तो H2O बाहर निकल जाएगा, और एक बार H2O बाहर निकल गया तो अब ध्यान से देखना क्या बना साथियों। ये तो एज इट इज रह गया यानी कि सी डबल बॉन्ड OH, CH2, NH, सी डबल बॉन्ड O, CH2, NH2। अब आप में से कोई साथी मुझसे कहेगा कि सर क्यों ना अपन ऐसा करें कि इस वाले OH को भी किसी के बगल में टिका दो, इस वाले NH2 को किसी के बगल में टिका दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी इनको किया था। हमने कहा कर सकते हैं इस काम को। मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि यहां H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया यानी कि कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन हुआ और इसकी वजह से जो बॉन्ड बन के आया साथियों यही बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। साथियों मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। तो अमीनो एसिड जब बहुलक बनते हैं, ये सवाल भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि प्रोटीन का एक लक क्या होता है यानी मोनोमर क्या होता है। तो मोनोमर होता है साथियों अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड होता है प्रोटीन का, और ये क्या हो गया? पॉलीमर। क्वेश्चन याद कर लेना, फिर ये मत कहना आपने बताया नहीं था कि क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं और अमीनो एसिड्स में ही पॉलीमर पाए जाते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए तो अब इसके बाद हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है और जानना है कि पॉलीमर्स को बेसिकली कितने तरह से बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यानी कि बहुलक, बहुलक को जिस तरह से पाया जाता है उसके आधार पर पॉलीमर्स को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में मतलब ध्यान से देखना, अगर पॉलीमर प्राकृतिक रूप से मिले तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक पॉलीमर। बोले सर ऐसा होता है क्या? अरे अभी तो बताया ना भाई
क्या प्रोटीन, प्रोटीन तो सब जगह मिलता ही है, तो इसमें बताना क्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक पॉलीमर, यानी कि आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो नेचुरल, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है भैया। अच्छा, दूसरा टाइप का पॉलीमर होता है सिंथेटिक पॉलीमर। कौन सा? सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब हो गया संश्लेषित पॉलीमर, ठीक है सर। सर जी तीसरा कौन सा होता है? सेमी सिंथेटिक या हाफ सिंथेटिक, यानी कि अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेटिक और बोले तो अर्ध संश्लेषित। बोले सर ये सवाल पूछा जाता है क्या? भाई साहब प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा पेपर के, आंखें खुली रह जाएंगी, इतने टफ टफ सवाल पॉलीमर से बनते हैं, लेकिन अगर एक बार पढ़ लिया तो अब यहां से आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से आप लोगों को साथियों क्या सिखा रहा हूं, प्राकृतिक पॉलीमर की केवल एक ही पहचान है। क्या पहचान है? यदि कोई पॉलीमर पादपों में पाया जाए, यानी कि प्लांट्स में पाया जाए या फिर जंतुओं में पाया जाए, तो वो नेचुरल पॉलीमर कहलाता है। किस में पाया जाए भैया? पादपों में। आज आप लोग देख रहे होंगे ना कि मैं बड़ा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूं, कारण है इसका। अब मुझे पता है कि मेरे पास समय हो गया है, मैं एक घंटे पढ़ा सकता हूं, अब एक घंटे पढ़ा सकता हूं तो क्यों ना आराम आराम से पढ़ाया जाए, अपने साथियों को विद इन 2 मंथ्स उनकी जनरल साइंस इतनी धड़ल्ले से सड़ी बढ़िया वाली करा देनी है, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जनरल साइंस जब मैं बोलता हूं ना, तो केवल केमिस्ट्री नहीं बोलता, केमिस्ट्री का तो अपने काफी सारे टाइटल खत्म होते आए अब, इसके बाद बायोलॉजी, एनवायरमेंट, फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चिंता ही मत करो, एकदम रॉकेट साइंस हो जाना है आप सभी को। हाँ जी, तो आप देखो साथ, प्राकृतिक पॉलीमर वो हैं जो कि किससे बने? पादपों से और जंतुओं से, या तो पादपों से बने या जंतुओं से। अब मेरे कई साथियों को शायद अंग्रेजी में समझना हो, जो प्लांट से बने या एनिमल से बने, क्लियर। अच्छा, बोले सर इसके एग्जांपल, सर जी इसी बार पूछा गया है आरएएस के अंदर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है प्राकृतिक पॉलीमर। तो साथियों इसके उदाहरण हैं प्रोटीन, मैंने अभियाल आपको बताया। बोले प्रोटीन, अरे साहब जी आप अंडा खाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं, दूध पीते हैं तो अंडे खाते हैं, दाल खाते हैं तो प्रोटीन, ये सब कहां मिल रहे हैं? तो मैंने आपको जीव और पादप दोनों बता दिए, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके अतिरिक्त सेल्यूलोज, अंग्रेजी में भी सेल्यूलोज को सेल्यूलोज ही कहते हैं भाई। तीसरी चीज स्टार्च, अरे भैया स्टार्च वही अपने आलू वाला, आलू चावल वाला मांड जिससे बनती है। और चौथी चीज है रबड़। अगर आप लोगों को यह बात पता चल गई तो अब आप इस चीज को देख ली जो आपको उदाहरण में दी। अब बात बनती है सर सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? साथियों सिंथेटिक पॉलीमर वो होता है जो कि इंडस्ट्री में बने या प्रयोगशाला में बने, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जिसको बनाया जाए। बोले आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? कृत्रिम तरीके से जिसको बनाया जाए वो क्या कहलाता है? संश्लेषित कहलाता है। बोले इसका एग्जांपल, भैया इसका एग्जांपल दुनिया परेशान है जिससे। बोले क्या? पॉलीथीन, मोदी जी आ आ करके कह रहे हैं पॉलीथीन का उपयोग ना करें। प्लास्टिक, जिसको हमने अब लकड़ी का विकल्प बना लिया है। नायलॉन, जिसकी रस्सियां लेकर के लोग लटक जाते हैं। पॉलिएस्टर, जिसको कि सूती कपड़े का विकल्प बना लिया है, पॉलिएस्टर सूती कपड़े की जगह। पीवीसी, हमारे सलमान खान जी एडवर्टाइज करते हैं पीवीसी पाइपों का साहब। टेफ्लॉन साहब, नॉन स्टिक हमारे घर पे जो इडली डोसा बनते हैं उनमें टेफ्लॉन का साहब तवा इस्तेमाल होता है। मैंने पता है ये सब बातें इसलिए बोल दी साथ में पैरेलल, ताकि आपको अभी की अभी याद हो जानी है, देख लेना भाई। हाँ जी, अब बोले सर सेमी संश्लेषित कौन से, सेमी सिंथेटिक कौन से हैं? साथियों ऐसे जिनको कि प्राप्त तो किया गया है पादपों से, लेकिन उनको ऊपर से कन्वर्ट कर दिया गया है। कन्वर्ट से मतलब, अब मैं आपको समझाता हूं, मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली तो शुरुआत तो आपने प्राकृतिक रूप से ही की थी। प्राकृतिक रूप से मतलब हुआ कि आपने इन्हें नेचर से ही प्राप्त किया था, लेकिन इस प्राकृतिक में आपने कुछ मिला दिया। मिला दिया से मतलब इसी में कुछ मिला दिया, एडिशन कर दिया। अब जिनके ऊपर से निकल गया, मैं समझाता हूं। साथियों आप लोगों ने प्राकृतिक रबड़ का नाम सुना होगा, है ना? अब प्राकृतिक रबड़ का जिन्होंने नाम सुना है उन्हें यह भी पता होता है कि प्राकृतिक रबड़ में अगर सल्फर मिला दिया जाए
तो रबड़ का वल्कनीकरण हो जाता है। अगर सुन लिया है तो शेयर कर दो इसी बात की खुशखबरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुन ली हमने, प्राकृतिक रबड़ को अगर सल्फर से मिक्स कर दिया जाए तो वल्कनाइजेशन यानी कि वल्कनीकृत हो जाता है, जो कि क्या बन गया, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया बेटा, कृत्रिम रबड़, आर्टिफिशियल रबड़ बन गया। तो ये देखिए, आपने अभी अभी के अंदर बात ही बातों में बहुलक के तीनों प्रकार खत्म कर लिए। उम्मीद है मेरे प्यारे सभी को ये बात भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, अब आपको ये जब बात समझ में आ गई, अब ये पूरा की पूरा कंटेंट जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये कंटेंट मैं आप लोगों को एज इट इज, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, मैं उस पर शेयर कर दूंगा। वाईफाई स्टडी का जो अपना एप्लीकेशन है उस पर भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं समझ में आया, देखो बेटा जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, बस एक बार विश्वास करके पढ़ लो कि आपका साथ, अपन दोनों का साथ एग्जाम तक बना रहेगा और हम सिलेक्शन पाएंगे। आगे की बात तो बस मैं ये कह सकता हूं कि भविष्य में हम इन सब का इतना अभ्यास, टेस्ट, ये सब करने वाले हैं ना, कि एंड में आपको बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब, आपने बड़े भाई का रोल निभा दिया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब एक एक करके हम इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रबड़ की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रबड़। अच्छा जी सर जी, रबड़ के बारे में क्या कहानी है मेरे प्यारे साथियों। रबड़ होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है, अभी अभी हाल में मैंने आपको बता दिया, रबड़ दो प्रकार का होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, रबड़ दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरे प्यारे साथियों प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक का मतलब समझ में आ गया, जो कि पेड़ से प्राप्त होता है। अब किससे प्राप्त होता है मैं वो भी बता दूंगा, चिंता मत करो। प्राकृतिक रबड़, और दूसरा होता है कृत्रिम रबड़। ठीक है ना भाई, कृत्रिम रबड़। अब प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ में क्या अंतर है, एक एक करके हम देख लेते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल पॉलीमर। साथियों, नेचुरल पॉलीमर जो होता है ना, असल में उसमें क्या दिक्कत होती है कि उसके अंदर इलास्टिसिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर ज़्यादा खींच दिया जाए ना तो वो वापस अपनी जगह पे आना भूल जाता है। मतलब फिर से समझना कि ये पॉलीमर, मतलब रबड़ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपने इसको खींच दिया या फिर इसके अंदर कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया तो असल में ये कन्वर्ट होकर के पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी कि इलास्टिक की तरह ये व्यवहार करता है, थोड़ा बहुत रूप बिगड़ता है। जैसे तो बोले सर ये बात तो सारी की सारी रबड़ में भी होती है। आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे साथी होते हैं जो रबड़ के अंदर, रबड़ से मेरा मतलब हुआ कि आप लोग अपने घर में हेयर बैंड के अंदर रबड़ देखते होंगे। आप में से बहुत सारे साथियों के हाथ में अभी भी रबड़ होगा, जब पेंसिल से कुछ लिख रहे होंगे तो मिटाने के लिए रबड़ लिखा होगा, तो उन्होंने देखा होगा यों मोड़ा तो मोड़ते ही जब वापस उसको करते हैं तो वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। ऐसे ही रबड़ से आपने बने हुए टायर ट्यूब देखे होंगे, तो आप उनको मोड़ते हैं वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाते हैं। यानी रबड़ के अंदर जो अच्छी बात होती है ना, वो क्या होती है कि रबड़ को जब खींचा जाता है तो वो वापस अपनी ही अवस्था में लौट जाता है, यानी कि अपना पुनः वही मूल रूप धारण कर लेता है। इस वजह से रबड़ को मेरे प्यारे साथियों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो क्या है, इलास्टोमर्स। किस नाम से जाना जाता है, इलास्टोमर्स, MERS, इलास्टोमर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक रबड़ क्या है। देखिए क्या होता है प्राकृतिक रबड़। साथियों, प्राकृतिक रबड़ में बेसिकली पेड़ पौधे से निकला हुआ लेटेक्स का उपयोग किया जाता है। बोले सर कौन सा पेड़ आ गया, तो साथियों एक पेड़ है जिसका नाम है हेविया ब्राजीलियंसिस। क्या नाम है, हेविया। ये सवाल पूछा गया बेटा कई बार, हेविया ब्राजीलियंसिस, हेविया ब्राजीलियंसिस। साथियों इसमें क्या है, बेसिकली एक पेड़ होता है इस तरह से, जिसकी पत्तियां वत्तियां तो वैसी लगी होती हैं जैसी आप जानते हो, इन पत्ती, इसके जो तना है ना, बेसिकली पेड़ के अंदर तना तो होता ही है हम जानते हैं, पत्तियां भी होती हैं, तो पेड़ की जो तना है इस पर अगर कट लगा दिया जाए, मान लो यहां कोई कट लगा दिया, तो कट लगाने पर इस पेड़ में से एक दूध जैसे पदार्थ का स्राव होता है, यानी कि लेटेक्स का रिसाव होता है। किसका होता है,
लेटेक्स का। उस लेटेक्स को साथियों यहीं पर बाल्टी लगा के कलेक्ट कर लिया जाता है और उससे प्राप्त होता है आप लोगों का प्राकृतिक रबड़। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये पौधे का नाम याद रह जाएगा, मल्टीपल टाइम एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों ये सवाल पूछा गया है। साथियों असल में क्या होता है, इसके अंदर एक पदार्थ होता है इस लेटेक्स में, ये जो मतलब चिपचिपा सा जो पदार्थ निकला है ना, अभी दूध जैसा जो पदार्थ निकला है लेटेक्स जिसे हम कहते हैं, इसमें रासायनिक रूप से एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है आइसोप्रीन। बोले सर ये आइसोप्रीन क्या है? इस दूध में पाया जाने वाला पदार्थ। साथियों जो भी लोग समझदार इस बात को जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, शेयर करना मत भूलना। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइटल सेलेक्ट किया है ताकि आपके परीक्षा में उपयोग में आ जाए। साथियों आइसोप्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, चिंता ही मत करो। जिनको ये लग रहा है कि सर जी ये सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि आप तो आज हमें बड़े आराम से पढ़ा रहे हो, क्योंकि साहब मैंने आपका सेशन एक घंटे का कर दिया है, आराम से समझना भी है और सवाल भी करना है। और कब से होगा? बुधवार से शाम 6:30 से 7:30 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर। तो मेरे प्यारे साथियों जब ये क्या बोलते हैं आपका जो हमने सामने लिखा है ये इसकी रासायनिक संरचना है, आपको रासायनिक संरचना याद नहीं करनी है। अगर किसी को उद्देश्य मतलब इंटरेस्ट है तो मैंने उसके लिए ये संरचना बना दी है। साथियों असल में ये जब मिलती हैं आपस में पॉलीमर के फॉर्मेट में तो ये इस तरीके से अपना पॉलीमर का निर्माण कर लेती हैं। यही है प्राकृतिक रबड़। यानी कि आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि नेचुरल रबड़ बेसिकली आइसोमर का पॉलीमर होता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। जब बात की जाती है किसी उसकी क्या कहते हैं संश्लेषित रबड़ की, अच्छा प्राकृतिक रबड़ में साथियों और भी अनेक प्रकार हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ में, प्राकृतिक रबड़ के अंदर प्रकार तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन रबड़ से अगर कोई भी चीज़ ऐसी प्राप्त करनी हो जिससे कि आप लोगों को मजबूती चाहिए, तो इसमें सल्फर डाल करके इसका वल्कनीकरण कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो चीज आपको दिख रही है ये असल में सल्फर की वजह से त्रिविम जालक संरचना बना लेती है। कैसी बना लेती है? त्रिविम। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ये त्रिविम क्या होता है। साथियों असल में त्रिविम होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेती है, कौन बना लेता है? ये आइसोप्रीन वाली जो स्ट्रक्चर है। और ये जो त्रिविम जालक संरचना बन के आती है ना, जालक समान जो संरचना आती है, ये बहुत मजबूत होती है। किसकी वजह से हुआ? सल्फर। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है वल्कनीकरण किसे कहते हैं, वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन किसे कहते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है तो कहा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला दिया जाए तो उसे हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए और वो क्या है, दूसरी बात आती है अब संश्लेषित रबड़ की, यानी कि जो आपका सेकंड वाला जो रबड़ है जिसे हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबड़ कह रहे हैं। साथियों सिंथेटिक रबड़, अब मैं आप लोगों को ज्यादा इसके अंदर संरचनाएं नहीं बताऊंगा, संरचनाएं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको ये बताने लग गया तो मेरे कई साथी तो अब रटने बैठ जाएंगे इन सब चीजों को। ऐसी स्थिति में मैं उनको केवल यही बातें बताऊंगा जो उनके परीक्षा में उपयोगी हों। जैसे साथियों सिंथेटिक रबड़ में उपयोग में लिया जाता है क्लोरोप्रीन को, इसके अलावा किसको उपयोग में लिया जाता है, स्टाइरीन को, ब्यूना एन, ब्यूना एस। अब आप लोग केवल उदाहरण याद करने पर फोकस करें, अगर मैं इनकी रासायनिक संरचना बताने पर निकल गया तो आप है ना इनको याद करने के अतिरिक्त कहीं और निकल जाएंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊं अगर ब्यूना एन की बात की जाए, अब आप इसको ऐसे की ऐसे याद करिएगा, है ना। तो अगर ब्यूना एन की बात की जाए तो इस रबड़ का उपयोग बेसिकली जो वाहन और वायुयान होते हैं उसमें ईंधन के पाइप सील बनाना या प्रोटेक्टिव ग्लोव्स बनाने में उपयोग में लिया जाता है। और अगर हम ब्यूना एस की बात करें, ब्यूना एस की अगर हम बात करें तो अपने जो जूते होते हैं ना, इन जूतों की जो सोल है या जो हील है असल में वो ब्यूना एस से बनी होती है। जूतों की हील या सोल जो होता है ना वो इससे बना होता है। और ब्यूना एन की अगर मैंने आपसे बात करी थी तो ब्यूना एन क्या है, वाहनों में या फिर वायुयानों में ईंधन के पाइप, वाहन के अंदर देखा होगा ना ईंधन के पाइप, वाहन या वायुयान उसमें फ्यूल जो भरा जाता है उसके जो पाइप्स हैं वो इसी से बने होते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को आज अच्छे से रबड़ समझ में आ गया होगा कि रबड़ क्या होते हैं।
ठीक इसी प्रकार से हम अपने आगे के लेक्चर में नाइलॉन क्या होता है, बेकेलाइट क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। साथियों, हमने जितना भी समय इस सेशन को दिया उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है, एक बार अगर हमें थ्योरी समझ में आ गई तो हम सवाल तो चुटकी भर में निकाल देंगे, क्योंकि आप लोगों का ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण है। आप अधिक से अधिक मात्रा में सेशन को याद कर लेना। पॉलीमर पढ़ाने के लिए आप लोगों को रटा दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपसे कह रखा है कि जनरल साइंस पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे भी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथियों, और एक बात, आप अगर कोई भी अनअकैडमी प्लस का सिलेबस परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट यूज करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर किसी भी चीज का, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ओएनजीसी, जो भी करना है, 30 से अधिक कोर्सेज हैं जो कि अब इस समय अनअकैडमी प्लस पर उपलब्ध हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, ANKIT और 10। अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस पर मेरे वर्तमान में यूपीपीसीएस के करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, आरपीएससी व्याख्याता करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरी अन्य क्लासेस जल्दी ही यूपीएससी के लिए शुरू होंगी, एमपीपीसीएस के लिए शुरू होंगी, और रेलवे के लिए भी हम जल्दी ही आपके लिए कोई कोर्स लेकर के आएंगे, ऐसा कुछ प्लान है। होपफुली आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा। आज और कल मैं अपने अन्य साथियों को बता दीजिएगा, परसों से हम लोग शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में वाईफाई स्टडी 2.0 पर डिटेल सेशन के लिए मिलने वाले हैं। सुबह मुलाकात होगी 7 से 8 वाईफाई स्टडी 2.0 पर मेरे करंट अफेयर शो में, जो कि आप सभी के प्यार से बहुत अच्छा शो बन चुका है, जिसमें आप करंट ही नहीं उसके साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं। धन्यवाद, आपकी रात्रि शुभ हो।